तो भाई देखो, मैं जानता हूं कि उस वर्ल्ड कप फाइनल की हार का जो दुख है वो अभी तक तुम्हारे दिल से नहीं निकला होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि लगभग 1.5-2.5-3-4 साल तक या फिर आजीवन वो जो दर्द है वो नहीं निकल सकता। आज भी हमको 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में जो एमएस धोनी का रन आउट हुआ था वो दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, और ना जाने कितने सालों तक देता रहेगा। लेकिन क्या करें, जिंदगी जो है वो थमती नहीं है। हाँ, हम पीछे का भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। और हम एक क्रिकेट फैन है, हमने क्रिकेट से ही सीखा है कि एक मैच हार जाने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वापस से उठना पड़ता है, कदम बढ़ाने पड़ते हैं, लड़ना पड़ता है, और वापस से ये साबित करना पड़ता है कि चैंपियन हम ही हैं। खैर, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि भारत ने वो जब मैच हारा था ना, भारत जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारा था तो दुख हो रहा था, लेकिन वो फाइनल खत्म होने के बाद जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, जब सारे मेडल्स वगैरह बढ़ गए, जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट कर लिया, और उसके बाद जब बीसीसीआई की तरफ से एक वीडियो अपलोड होती है जहां इंडियन ड्रेसिंग रूम से हमें कुछ फुटेजेस देखने को मिलती हैं जो लगभग हर मैच के बाद देखने को मिलती थी, उस फुटेज को देख के ना इतना ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि इतना दुख तो उस हार के बाद नहीं हो रहा था। अब इससे पहले कि आप लोग भी मेरे उस दुख में सम्मिलित हो, देखो वर्ल्ड कप भले ही खत्म हो गया, हम सब जानते हैं कि बस 2-3 दिन के अंदर शुरू होनी है इसी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच T20 सीरीज, वो भी 5 मैच की, जहां मेन प्लेयर्स तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी मजा आएगा। और अब तो देखो और ज्यादा यहां पे इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया होगा इस सीरीज में, भले ही मेन प्लेयर्स नहीं है लेकिन इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया होगा क्योंकि भाई अब ये सीरीज नहीं होगी, अब ये जंग होगी जहां हर इंडियन प्लेयर सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए खेलने वाला है और हर इंडियन व्यूअर सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को बदले के लिए देखने वाला है। लेकिन मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, वो खुशी का दौर भी समाप्त हो गया है जो एक लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन एक चीज है जो समाप्त नहीं होनी चाहिए, वो क्या है कि पैसे का जो बहाव है वो नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए कुछ ही दिन में जो शुरू होने वाली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, उसके बाद शुरू होने वाली है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज, वहां पे आप जाहिर सी बात है फिर से टीम बनाएंगे, फिर से प्रेडिक्शन करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, और मदद आपकी कौन करेगा, नन अदर देन आकांक्षा प्रेडिक्शन। तो जल्दी से जाना है, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भले खत्म हुआ है लेकिन क्रिकेट का सीजन जो है वो अब भी चालू है। तो जल्दी से जाइए, स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर है, जाके डीएम करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और आने वाली जो सीरीज है उसके लिए जो भी भैया तैयारी है जल्दी से कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जैसे ही सीरीज शुरू होगी सारी प्रेडिक्शंस आपको धड़ाधड़ ऑटोमेटिकली फ्री में मिलने लगेंगी, और उसके बाद मस्त भैया पैसा कमाना है और चिल्लाना है कि पैसा ही पैसा बाबू भैया। पर अब चलते हैं अपने उस दर्द पे जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसा मैं कह रहा था कि भारत ने जब वो मैच हारा तो दुख हो रहा था, लेकिन असल दर्द तो तब हो रहा था जब उस मैच की हार के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम से एक फुटेज हमारे सामने आती है। देखो ये तो तुम जानते ही हो कि जब भी इस वर्ल्ड कप में कोई भी मैच खत्म होता था या कहे जब भी इंडिया मैच जीतता था तो उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से एक वीडियो अपलोड होती थी जहां पे किसी इंडियन प्लेयर को फील्डिंग मेडल दिया जाता था। जिस इंडियन प्लेयर ने सबसे बेहतरीन फील्डिंग करी होती थी उस मैच में, उसको बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, बहुत ही एक्साइटिंग तरीकों से ये अनाउंस करवाया जाता था कि ये जो बंदा है ये असल में इस मैच का बेस्ट फील्डर रहा है। और देखो जब इस बार भारत हारा ना, अब देखो पहली बार ऐसा हुआ था, तो इस बार जब भारत हारा और उसके बाद ऐसी ही कुछ फुटेज हमें दोबारा से बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिली, पहले तो लगा था कि आज शायद ऐसा कुछ होगा नहीं, आज तो मातम बनेगा यार, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई की तरफ से वीडियो अपलोड करी जाती है। लेकिन इस बार उस ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है ना भाई, एकदम अलग होता है, पता चल रहा होता है कि यहां पे कोई तो खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा होता है कि यहां पे कोई तो कांड हुआ है, सब लोग गुमसुम होते हैं, सब बैठे होते हैं। वरना इससे पहले जब भी ऐसी वीडियो अपलोड होती थी तो भाई लोग शोर मचा रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे, उछल रहे होते थे, गा रहे होते थे, एक दूसरे को पकड़ रहे होते थे, लेकिन इस बार एकदम शून्य, शांत, सन्नाटा, सब खत्म हो गया ऐसा लगता है। और भाई हुआ भी ऐसा ही था ना, लेकिन उसके बावजूद भी देख के थोड़ी सी खुशी मिलती है कि प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ी सी एनर्जी को बटोरते हैं और अनाउंस किया जाता है कि विराट कोहली इस मैच के बेस्ट फील्डर रहे हैं, जडेजा उनको बेस्ट फील्डर का मेडल पहनाते हैं और कोहली भी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, जिसे देख के हमारा दर्द तो खत्म नहीं होता है लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ 1-2% कम जरूर हो जाता है। लेकिन यहां पे जो कहानी है ना वो खत्म नहीं होती है। देखो अब सवाल ये उठ रहा है
कि आने वाले जो ओडीआई मैचेस होंगे या फिर जो भी अब तैयारी होगी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, वहां पे आखिर इंडियन टीम किस तरीके से काम करने वाली है, यहां से आगे आने वाले जो स्टेप्स हैं वो इंडिया किस तरीके से लेने वाली है, क्योंकि जो भी तैयारी होती है ना आने वाले वर्ल्ड कप को लेके होती है। और यहां पे कहीं ना कहीं ये आकलन लगाया जाएगा कि क्या रोहित शर्मा अगले वर्ल्ड कप तक अवेलेबल रहेंगे। चलो अगले वर्ल्ड कप तक नहीं भी रहेंगे तो भी रोहित शर्मा का यहां पे होना बनता है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी बाकी है। साल 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी तब रोहित शर्मा मात्र कुछ 37-38 साल के होंगे, तो बहुत ही आराम से वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड कप में तो जिस तरीके से रोहित शर्मा ने प्रूव किया है कि अभी तो उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है, तो यहां पे वो बहुत ही आसानी से चैंपियंस ट्रॉफी में जाने ही जाने चाहिए। तो फिलहाल अगर आप लोग थोड़ा सा निराश हैं, अगर आप लोग उदास हैं, तो अपने आप को ढांढस बंधवाइए और कहिए कि बेटा चलो वर्ल्ड कप होने में तो 4 साल है, हो सकता है रोहित शर्मा वहां नहीं रहेगा, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में हमारे पास मौका है एक आईसीसी ट्रॉफी को घर लाने का। हाँ, ये सत्य है कि उस आईसीसी ट्रॉफी को लाने की जो खुशी होगी वो शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी खुशी हमें ओडीआई वर्ल्ड कप लाके मिलती। और दो पल के लिए 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है वहां भी भले रोहित शर्मा खेल जाए और शायद हम उनकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीत भी जाएं, लेकिन शायद वो खुशी भी वैसी नहीं होगी जो खुशी हमें शायद 19 नवंबर को मिल सकती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम क्रिकेट फैन हैं, हम मायूस होते हैं, हम टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन वापस से खड़े होकर उम्मीद लगाते हैं। और वो उम्मीद जो होती है उसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज शाम को इसी चैनल पे एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन है ना तो आपको देखनी ही देखनी चाहिए। मैंने वो वीडियो हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए बनाई है, और मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि वो वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा या क्या लगेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो वीडियो या तो आपको थोड़ा सा उठा देगी या फिर आपको पूरे तरीके से हताश कर देगी, खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी, लेकिन गारंटी है कि वीडियो देख के आपको जरूर मजा आएगा। तो शाम को लगभग 5:30-6 के करीब जो वीडियो आने वाली है ना, एक सच्चे क्रिकेट फैन होने के नाते उस वीडियो को मिस मत करिएगा। बहुत मेहनत करके बनाई है, घंटों लगाए हैं, ऐसे ऐसे तरीकों से वहां पे उन फीलिंग्स का मैंने जिक्र किया है जो हर क्रिकेट फैन के अंदर चलती रहती है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सेम टाइम पे अभी आप लोग का क्या कहना है कि यहां से यार क्रिकेट को उसी इंटरेस्ट के साथ प्रोसीड किया जाए या फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, थोड़ा सा आराम करा जाए और सोचा जाए कि ठीक है यार क्या हुआ, जो हुआ पता नहीं क्या हुआ, बस चीज़ों का आकलन करा जाए और उसके बाद देखा जाए जो होगा सो होगा, या फिर जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा हौसला भरा जाए और कहा जाए कि कोई नहीं अगली बार होगा, इंडियन टीम ने एक नंबर खेला है, हम उनके साथ हैं और हमने उनको बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखा है, ये सोच के हमें खुश होना चाहिए, और उन्होंने भी शानदार क्रिकेट हमें दिखाई है ये सोच के उन्हें खुश होना चाहिए। क्या हम ये कह के थोड़ा सा सेटल डाउन हो सकते हैं? इस समय आपके मन में जो भी इमोशन चल रहे हैं उनका जिक्र कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जल्दी से जाके जैसा मैंने कहा कि आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मात्र 2 दिन में शुरू होने वाली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बदले की 5 मैचों की T20 सीरीज। जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, और व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर जाके DM कर सकते हो, और उसके बाद वहां पर भी फ्री में आपको ऑटोमेटिकली सारे जो प्रेडिक्शन मिलेंगे उसके टीम वगैरह बना के प्रेडिक्शन वगैरह करके पैसा कमा सकते हो। और जैसा मैंने कहा वीडियो तो लाइक कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।